बहुत दिन के बाद मोटोरोला लौटकर आया और धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, मोटोरोला वन फिशन प्लस। कमाल का स्मार्टफोन है, हर एक स्पेसिफिकेशन आपको इसमें भर भर के देखने को मिलता है। लेकिन जिस प्राइस में लॉन्च किया है उसी प्राइस के आसपास दो किलर फोन आता है, पोको एक्स टू। कमाल का फोन है, ओवरऑल पैकेज के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी फोन है। और एक फोन है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, ये भी किलर माना जाता है। आज इस वीडियो में इन तीनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों स्मार्टफोन से कौन सा बेस्ट है या कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि पोको एक्स टू और रेडमी नोट 9 प्रो मैंने यूज़ कर चुका हूं, लेकिन मोटोरोला अभी तक यूज़ नहीं किया हूं। बहुत जल्द हमारे पास आएगा और डिटेल में रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेसिफिकेशन एंड ओवरऑल पैकेज देखने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि ये दो फोन को छोड़ के आपको मोटोरोला के पास देखना चाहिए कि नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तीनों फोन का जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है। पोको X2 में बैक साइड की तरफ ग्लास बैक दिया है, कैमरा के चारों ओर राउंड एजेस दिया है। आपको एजेस जैसा लगेगा कि यहाँ पे कटआउट वगैरह दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो डिजाइन है वो प्रीमियम लुक देता है, जबकि Redmi Note 9 Pro Max का डिजाइन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे भी बैक साइड की तरफ ग्लास बैक दिया है, लेकिन जो कैमरा का पोजिशन है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे जो कैमरा का पोजिशन है वो एक यूनिक है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कमाल का डिजाइन यहाँ पे लेकर आया है। लेकिन मोटोरोला के पास देखोगे दोस्तों इसका जो डिजाइन है वो दोस्तों अभी ट्रेंडिंग में है, या अभी हर फोन में देखने को मिलता है। इसका जो कैमरा पोजीशन आप यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन जो फिंगरप्रिंट है वो बैक साइड की तरफ दिया है और फिंगरप्रिंट के ऊपर दोस्तों मोटोरोला का लोगो दिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मोटोरोला हमेशा फिंगरप्रिंट के ऊपर उसका लोगो ही चढ़ाता है। डिस्प्ले के पास देखोगे पोको एक्स टू में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD पैनल दिया है। दोस्तों यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो डुअल पंचोल सेल्फी कैमरा राइट साइड की तरफ दिया है, इसके वजह से फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। ऐसे भी यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, जो टच है वो काफी स्मूथ हो जाता है। और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है। Redmi Note 9 Pro Max में दिया है 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल। दोस्तों यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया है और जो सेल्फी कैमरा है वो दोस्तों पंचोल सेल्फी कैमरा है, मिडिल में है और ये एक यूनिक डिजाइन लेकर आता है। यहाँ पे दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है। मोटोरोला में दिया है 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल। दोस्तों यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया है। यहाँ पे सेल्फी कैमरा पॉपअप सेल्फी कैमरे की वजह से फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, कोई भी नॉच वगैरह नहीं है। और जो चेन है साइड में जो बेजल्स है वो भी काफी छोटा छोटा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है वो स्पेसिफाइड नहीं किया है मोटोरोला ने। मैं ऑफिशियल पेज में और फ्लिपकार्ट में बहुत सारे जगह ढूंढा, मुझे दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पे कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है। ऐसे भी मैं आपको बता दूं तीनों फोन का जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है। तीनों फोन में ही आपको जो आउटपुट है वो सेम मिल जाएगा, क्योंकि तीनों ही फोन में AMOLED डिस्प्ले नहीं यूज किया गया है। हाँ, यहाँ पे पोको में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसके वजह से जो स्मूथनेस है वो पोको X2 में अच्छा मिल। अगर आप गेमिंग के पास देखोगे मोटोरोला एंड पोको में दिया है स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट। दोस्तों मोटोरोला में मैंने पबजी नहीं खेला हूँ क्योंकि अभी तक मेरे पास नहीं आया है। बहुत जल्द गेमिंग रिव्यू आएगा हमारे गेमिंग चैनल में। लेकिन दोस्तों पोको X2 में 730G है और वहाँ पे मैंने लगातार पबजी खेला हूँ। ऐसे भी दोस्तों पोको X2 को मैं प्राइमरी फोन के हिसाब से यूज़ करता हूँ और लगातार इसमें पबजी खेलता हूँ, तो काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है, कोई भी लैग वगैरह कुछ भी नहीं है, स्मूथली चलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे भी पोको X2 का डिटेल गेमिंग रिव्यू देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या हमारा गेमिंग चैनल में है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ऐसा ही मुझे लगता है कि मोटोरोला में भी काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जल्द हमारे गेमिंग चैनल में मोटोरोला के गेमिंग रिव्यू आ रहा है, पबजी गेमिंग रिव्यू, उसके लिए जरूर इंतजार करना। Redmi Note 9 Pro Max में दिया है Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट। दोस्तों यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा पबजी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैंने भरपूर पबजी खेला हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ थोड़ा
कहीं ना कहीं दोस्तों पोको X2 एंड मोटोरोला में आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पावरफुल दिया है, थोड़ा पावरफुल है। बैटरी के पास देखोगे पोको X2 में दिया है 4500 mAh की बैटरी दोस्तों, यहाँ पे 27W का क्विक चार्ज भी दिया है और मैं इसको लगातार चार्ज करता हूँ क्योंकि प्राइमरी फोन के हिसाब से यूज करता हूँ। 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है 0% से 100% तक। मैंने इसका फुल चार्जिंग टेस्ट भी किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। Redmi Note 9 Pro Max में दोस्तों दिया है 5020 mAh की बैटरी, यहाँ पे 33W का क्विक चार्ज दिया है दोस्तों, ये भी 1 घंटे में फुल चार्ज करके दे देता है, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगा। Motorola में दिया है 5000 mAh की बैटरी, उसके साथ 18W का टर्बो चार्जर दिया है दोस्तों, यहाँ पे फुल चार्ज करने के लिए टाइम लग जाएगा 2 घंटे के आसपास। और इस दोनों फोन से दोस्तों यहाँ पे ये लो पॉइंट में आ जाता है। अगर आप स्टोरेज के पास देखोगे दोस्तों, मोटोरोला में एक ही वेरिएंट है 6GB 128GB 17,000 rupees में इंडिया में लॉन्च किया है। पोको X2 में 3 वेरिएंट मिलता है, 6GB 64GB 17,500 rupees में, 6GB 128GB 18,500 rupees में, 6GB 256GB 21,500 rupees में मिलता है। Redmi Note 9 Pro Max का 2 वेरिएंट मिलता है 6GB 64GB 16,500 rupees में, 6GB 128GB 18,000 में मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और तीनों फोन में ही दोस्तों सारे के सारे सेंसर मिलता है, तीनों ही फोन में बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, पोको X2 में जो थर्ड सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, और इस दोनों फोन में यानी कि Motorola और Redmi में 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर दिया है, और तीनों ही फोन में जो फोर्थ सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरे के पास देखोगे Motorola में दोस्तों 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है, पोको के पास देखोगे 20+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल सेल्फी कैमरा दिया है, और Redmi में दिया है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अभी मैं आपको बताऊं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन, ऑब्वियसली दोस्तों तीनों ही फोन किलर है, फिर भी मैं आपको बता दूं जो पोको है वो सबसे आगे रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओवरऑल पैकेज देखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे पोको पसंद आया, उसके बाद तो मोटोरोला, और उसके बाद जाके Redmi Note 9 Pro Max मुझे पसंद आया। और ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, कोई भी पेड ओपिनियन नहीं है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरा लिस्ट स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।